बजट पर सवाल जवाब के दौरान आज भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष ने नारेबाजी की। बजट पर हंगामे को लेकर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कहा विपक्ष जनता के जनादेश का अपमान कर रही है। वित्त मंत्री को अम्मा कहे जाने वाले खड़गे के बयान पर प्रमोद तिवारी ने कहा साउथ में महिला को सम्मान के साथ अम्मा कहा जाता है, वित्त मंत्री को सम्मानित महसूस करना चाहिए। आम बजट को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। शनिवार रविवार को देश भर में राज्य की राजधानियों और प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। बजट पर लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला, लालू यादव ने कहा कि नीतीश सरेंडर कर चुके हैं, इस बजट में बिहार को झुनझुना पकड़ाया गया। आज से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम ममता पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात, केंद्रीय योजनाओं और रुके हुए फंड समेत कई मुद्दों पर चर्चा। कल विधानसभा में महिलाओं पर दिए बयान को लेकर नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी का निशाना, राबड़ी देवी ने कहा नीतीश कुमार माफी मांग। संजय निषाद ने की सीएम योगी से मुलाकात, संजय निषाद ने कहा कि मनमुटाव की खबरें बेबुनियाद, सीएम योगी हमारे मार्गदर्शक हैं, मुख्यमंत्री को अपना दर्द बताना हमारा काम। संजय निषाद ने सीएम योगी से अधिकारियों की शिकायत भी की। दिल्ली में बीजेपी संगठन मंत्रियों से 2 दिवसीय बैठक, जेपी नड्डा और बीएल संतोष है मौजूद। बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा कर रही है पार्टी, साथ ही यूपी उपचुनाव और संगठन रणनीतियों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा, लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार को लेकर भारी हंगामा, कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। नीतीश सरकार की विभिन्न नीतियों का विरोध में पोस्टर भी लहराए गए। फडणवीस को लेकर अनिल देशमुख के आरोपों पर संजय राउत का बयान, का षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर देशमुख को जेल भेजा गया, दबाव बनाया गया था, जो हम कहेंगे वो करो। देशमुख के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा मौके पर शिकायत क्यों नहीं की, जनता को गुमराह करने के लिए एक और कहानी तैयार की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 हफ्ते में तिहाड़ जेल में अपने वकील के साथ 2 अतिरिक्त वीसी के साथ कानूनी बैठकें करने की अनुमति मिली। कल सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी, सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश, अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में चल रहे मानहानि केस में होंगे पेश। शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक का पंजाब ने किया बहिष्कार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। यूपी में नेता प्रतिपक्ष बनाने पर एसपी का मंथन, सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव किसी दलित चेहरों को बनाना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट, महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी, मुंबई की सड़कें जलमग्न, मुंबई लोकल के 7 ट्रेनें रद्द, यातायात प्रभावित। पुणे में मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद, भारी बारिश से नदी किनारे के हाउसिंग सोसाइटी में पानी भरा, कई कॉलोनियां डूबी, राहत बचाव के लिए सेना उतरी।